अपने आप सब लोगों के हैं। और सपने, सपने के बारे में बोला जाता है कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं, सोने नहीं। अपने सपने कौन से हैं? थोड़े के बाद आते हैं जो, और जो सोने नहीं, ऐसे सपने हैं ना। कितने लोगों के ऐसे सपने जो सोने नहीं देते? क्या बात है, वेरी गुड। आप सब लोगों के ऐसे सपने हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को तो सपने सोते भी जागते भी एक ही चीज के आते थे कि मैं किसी ना किसी तरीके से कामयाब हो। भूख थी, तड़प थी, और वो भूख और वो तड़प जो है आपको कामयाब करती है साहब। कंप्यूटर्स के मैं काम कर रहा था, काम मेरा ठीक ठाक चल रहा था, 2002 की ये बात है सर, पैसा कमा रहा था, लेकिन शेड्यूल मेरा यू टाइट रहता था। मैं रिश्तेदारियों में नहीं जा सकता था, मैं कहीं अपने बहन जी आप या तो आप आ जाओ माइक लेके बोल दो या फिर हमें बोल दो, डिस्टर्ब हो रहा है आप। मैं पिछले 5 मिनट में देखा हूं 20 बार बोलते माँ भी चाहती, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बोलने वाला, वो सोचता पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया पीछे भाई। तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो मैं क्या बोलता था कि काम ठीक चल रहा था, काम ठीक चल रहा था, लेकिन शेड्यूल मेरा टाइट था, मेरे पास समय को लेकर बड़ा चैलेंज था, समय मेरे पास था नहीं। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं इस मीटिंग में जिनके पास पैसा खूब है लेकिन टाइम, पैसा था लेकिन समय नहीं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास समय खूब है लेकिन पैसा। 3-4 प्रकार की कैटेगरियां हैं साहब, ज्यादा नहीं। एक तो वो है जिनके पास पैसा है समय नहीं है, एक वो है जिनके पास समय है पैसा नहीं है, एक वो है जिनके पास ना समय है ना पैसा है ना सुरक्षा, मतलब ना टाइम है ना मनी है ना सिक्योरिटी है। 22.5 करोड़ परिवार हिंदुस्तान के इस कैटेगरी में आते हैं जिनके पास ना समय है ना पैसा है ना सुरक्षा। टाइम मनी सिक्योरिटी तीनों चीजें, 22.5 करोड़ परिवार इस कैटेगरी में आते हैं, जिंदा है क्यों, मरे नहीं। समझ पा रहे हैं सर? फॉलो कर पा रहे हैं आप हमें? ऐसी मेरी जिंदगी में ये बिजनेस आया कैसे, मतलब यूं कहूं मैं कि चला जा रहा था, नजर से टकरा गई मेरी जिंदगी में बाहर अचानक आ गया। कैसे हुआ? एक आदमी एक इंस्टीट्यूट में मैं जॉब भी करता, साथ में कंप्यूटर्स की कोचिंग देता था। जिस इंस्टीट्यूट में मैं कोचिंग देता था वहां के प्रिंसिपल साहब के खास जानकार थे मिस्टर राकेश शर्मा। वो राकेश शर्मा मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम बिजनेस बताने के लिए आए थे। कुदरती प्रिंसिपल को बताया जा रहा था, मैं भी वहां पहुंच गया और मैंने भी सुना। जैसे ही राकेश सर ने पेपर पे लिखा 3 वर्ड आर सी एम, आप लोग लोगों को समझाने जाते हो ना, तो सबसे पहले पेपर पे क्या लिखते हो? आर सी एम। जैसे ही आप लिखते हो आर सी एम, सामने वाला 3 वर्ड पढ़ते ही समझता है, बोलता है। 3 शब्द आपने लिखे आर सी एम, लिखते ही सामने वाला कहेगा अच्छा आरसी में क्या, मैं समझ गया, बोलता है कि नहीं बोलता। जैसे ही राकेश सर ने वहां लिखा, मेरे प्रिंसिपल के पास बैठे थे डायरी में लिखा आर सी एम, सर को और मेरे प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोला कि सर मैं समझ गया। कि जब आप पूरे चाव से समझाने जाते हो और सामने वाली पार्टी पहले ही समझी बैठी हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है कि नहीं होता? आपने लिखा आर सी एम, सामने वाला कहता है मैं समझ गया,
मेरी गलती। इस सवाल का जवाब चाहिए। बाकियों को पता है जो ये इसकी दोस्त है। इस सवाल का जवाब चाहिए। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, उल्टा सवाल होते। उल्टा क्या होते हैं सर? सवाल। जैसा मेरे साथ उन्होंने किया वैसा आप अपने सामने वाली पार्टी के साथ कर सकते हो। जैसे ही मैंने बोला कि मैं समझ गया, राकेश सर ने डायरी और पेन मेरी तरफ किया, बोले जो आप समझे एक बार हमें समझाओ। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला 50% से ज्यादा हवा हमारी निकल गई, अब गड़बड़ हो गई, हम घबरा गए। 50% से ज्यादा हवा हो रही। अब जब आप सामने वाले को बोलते हो कि जो आप समझे एक बार हमें समझाओ, तो उसकी हवा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? मामला बराबर। अब जब डायरी पेन मेरी तरफ किया राकेश सर ने, तो मैंने वर्गली बोला कि ये भीलवाड़ा कंपनी है राजस्थान की। अच्छा और बताओ, मेरे देश में कपड़ा वपड़ा मिलता है। अच्छा और बताओ, मेरे देश में मेंबर वगैरह बनाने पड़ते हैं। अच्छा और बताओ। मैंने कहा बस इतना ही पता है और इससे ज्यादा पता है? जो ये बोल रहा है कि मुझे पता है आरपीएम क्या है, कसम से उसको सिर्फ इतना ही पता है, इससे ज्यादा पता, इससे ज्यादा पता नहीं है। इसीलिए वो बाहर घूम रहा है। और जिसको सब पता है वो ये आगे वाली लाइनों में बैठे हैं। द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम।